नमस्कार, मेरा नाम आरती भारद्वाज है और आप देख रहे हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो जी हाँ, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में बहुत सारे जो ट्विस्ट हैं वो आने वाले हैं, क्योंकि अब करवा चौथ के अगले दिन शादी होने वाली है अक्षरा और अभिमन्यु की। तो आपने पिछले एपिसोड में देखा कि अक्षरा को बहुत जोर चोट लग गई थी और घर वालों को ऐसा लग रहा था कि उनका मिसकैरेज हो जाएगा। इसको लेकर घर वालों ने बहुत डांटा मंजरी को, बहुत बातें सुनाई, बहुत मंजरी को जो नहीं सुनना वो सुनाई। जी हाँ, और इधर जो घर में तैयारी शुरू हो गई है करवा चौथ की, और क्योंकि करवा चौथ के अगले दिन अक्षरा और अभिमन्यु की शादी है तो लोग इसलिए भी बहुत खुश हैं। लेकिन उससे पहले जो घर के तमाम लोग हैं वो अक्षरा को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, मैं तुम्हें कोर्ट तक छोड़ूंगा, क्योंकि तुम बहुत वीक हो और तुम किसी की बात नहीं सुनती हो। लेकिन अक्षरा कहती कि मैं सब कुछ खुद मैनेज कर लूँगी। इधर जो आरोसी है वो बहुत परेशान है, क्योंकि जो अभिमन्यु है उसने हॉस्पिटल भी छोड़ दिया है। जी हाँ, और नौकरी के लिए वो दूसरे जगह भटक रहा है। हालांकि आरोही ने बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम्हें ज़रूरत है लोगों की, तुम जाओ हॉस्पिटल जाओ, लेकिन वो नहीं मानता और कहता अभिमन्यु कि मैं हार गया हूँ। आरोही इधर मंजरी बहुत परेशान होती है, क्योंकि मंजरी की वजह से जो अभिमन्यु ने है घर छोड़ा है और फिर हॉस्पिटल भी, यानी कि उसने घर और हॉस्पिटल दोनों से नाता तोड़ लिया है। इधर जब अक्षरा मिलने जाती है हॉस्पिटल में तो उसे पता चलता है कि अभिमन्यु ने हॉस्पिटल छोड़ दिया है, घर भी छोड़ दिया है और नौकरी के लिए भटक रहा है। ये बात अक्षरा को बहुत खराब लगता है, बहुत अंदर से हर्ट होता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये बात की फीलिंग आती है कि उसी की वजह से ये सब हो रहा है। तो क्या हो पाएगा, क्या अभिमन्यु को अक्षरा समझा पाएगी फिर से जॉब लेने के लिए, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसपे तमाम जो लोग हैं उनकी निगाहें टिकी हुई है। तो क्या होता है, ये बहुत ट्विस्ट भरा सीन आने वाला है।